श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति की ओर से साईदास स्कूल की ग्राउंड में चल रही श्रीमद भागवत कथा के तीसरे दिन की शुरुआत कपिल देवहूति संवाद एवं ध्रुव चरित्र के साथ हुई। कथावाचक विश्व विख्यात भागवत कथा व्यास श्रद्धेय आचार्य गौरव कृष्ण महाराज ने कथा की शुरुआत सुंदर भजन सुनाकर की, जिसके बाद आचार्य गौरव कृष्ण महाराज ने कहा कि बांके बिहारी उसी हृदय में वास करते हैं जिसका मन गंगा की तरह साफ हो। मनुष्य जीवन का महत्व समझते हुए भगवान की भक्ति में अधिक से अधिक समय देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि कथा सुनने से धन नहीं आनंद मिलता है, धन से आत्मिक सुख नहीं मिलता, वह सुख कथा सुनने से ही मिलता है। कथा प्रारंभ से पहले श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति की ओर से व्यासपीठ की आरती की गई। कथा के तीसरे दिन सांसद सुशील रिंकू की धर्मपत्नी सुनीता रिंकू, सचदेवा साड़ी से हरीश सचदेवा और यूनिक से उद्योगपति विनोद घई, हैप्पी स्टील मैन से ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अध्यक्ष ब्रिजेश जुनेजा, प्रधान सुनील नैयर, उप प्रधान एडवोकेट उमेश ओहरी, महासचिव संदीप मलिक, कोषाध्यक्ष चंदन वडेरा, उप कोषाध्यक्ष ब्रिज मोहन चड्डा, विशेष सलाहकार महेश मखीजा, सह सचिव नरेंद्र वर्मा, बलविंदर शर्मा, रिंकू मल्होत्रा, संजय सहगल, भूपिंदर सिंह बिल्ला, अश्विनी कुमार आशु, अंकुश जुनेजा, विकास क्रोवर, राहुल भारी, राजवंश मल्होत्रा, राजेश बीगामल, तरुण सरीन, अरुण मल्होत्रा, दविंदर अरोड़ा, राजकुमार शर्मा, जतेंद्र कुमार सोनू, हेमंत थापर, विनोद खेड़ा, सुमित गोयल, सोनू चोपड़ा, दविंदर वर्मा, राजू मखीजा, शिवम मखीजा, प्रवीण हांडा, दीवान अमित अरोड़ा, किशन लाल खंडवाले, रमेश लाल अरोड़ा, सीमा गल्होत्रा सहित बड़ी संख्या में प्रभु भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। संसर्गोदय मुनिमानकोश